ओके सबसे पहले तो अहमदाबाद में जो प्रीमियर हुआ अभी मुंबई में हो रहा है, कैसा रिस्पांस मिला अहमदाबाद में सबसे पहले तो ये बताइए। और बहुत फैंटास्टिक रिस्पांस है, बहुत बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग है, और मतलब गुजरात ने पूरी तरह से स्वीकार लिया है ये फिल्म को, और हम आशा रखते हैं कि मुंबई में भी ऐसा रिस्पांस आए, और हम बहुत खुश हैं ऐसे। इन टर्म्स ऑफ एंटायर कास्टिंग इज़ वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल रिस्पांस गुजरात। आई होप मुंबई में भी इतना बड़ा रिस्पांस आएगा। ओके, आप दोनों से ये भी जानना चाहूँगा, आज फाइनली फिल्म रिलीज होने की आपने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया, एक्साइटमेंट कितनी है आप लोगों में और नर्वसनेस कितनी है आप दोनों के करके? फर्स्ट डे देखने जाए तो जैसा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है उस हिसाब से हम और भी ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड हो गए कि अब वीकेंड का रिस्पांस क्या आएगा, एंड स्पेशली फ्रॉम मुंबई। गुजरात का तो पता चल ही गया है, सो वी जस्ट होप दैट ये वीकेंड जैसा फर्स्ट डे अभी रहा है और बस ऐसे ही वीकेंड और आगे कई वीकेंड्स ऐसे ही रहे। मुंबई में बहुत सारे फैंस हैं आपके, थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए कि फेक बायोपिक ऑफ रियल स्टार क्या है? फेक बायोपिक ऑफ रियल स्टार परफेक्ट बात है, और मैं मल्हार ठाकरे प्ले कर रहा हूँ। वैसे पूरी बात फेक है पर कैरेक्टर ओरिजिनल है, तो लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा, एंटरटेनिंग है। एक डे नाइट स्टार बन जाने के बाद क्या होता है उसके साथ, वही पूरी कहानी है, और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इतने लाफ्टर्स, इतना नया ह्यूमर है फिल्म में, और मेरा कैरेक्टर बहुत एंगेजिंग है, लोगों को बहुत मज़ा आता है देखने में स्क्रीन पर, तो पीपल विल बी हैप्पी फॉर श्योर। और गुजराती फिल्मों को जिस तरह से अप्रिशिएट किया जाता है, जैसे चेन्नई में शूट है वो अभी रिसेंटली, तो क्या कहना चाहेंगे गुजराती मार्केट जो है लोगों को अपील कर रही है और कितने खुश हैं आप इस चीज़ को? जो गुजरात की जो गुजराती टिपिकल गुजराती फिल्म्स हैं वो तो अच्छी चल ही रही है, बट वन थिंग अबाउट मिडनाइट विद मेनका इज़ दैट ये गुजराती फिल्म होने के बावजूद नॉन गुजराती ऑडियंसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रही है। सो इट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर अस कि मिडनाइट विद मेनका इंग्लिश टाइटल है, गुजराती कॉन्सेप्ट है, बट एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है क्योंकि हर कोई इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा, तो वो गुजराती इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल बहुत ही फ़ायदेमंद बात है। मल्हार की बायोपिक में मैं भी अपना खुद का ही किरदार प्ले कर रही हूँ। माई नेम इज़ ईशा एंड आई एम प्लेइंग ईशा कंसारा ओनली, सो बट उसमें बहुत कम सिमिलैरिटीज है, जैसे कि इसको फिक्शनलाइज किया गया है, तो ईशा इज़ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट एंड ईशा इज़ अ बिट डम ऑल्सो, और वो मल्हार की सबसे बड़ी फैन गर्ल है, और किस तरह से मल्हार की लाइफ जर्नी में उसकी क्या खुद की एक छोटी सी जर्नी होती है उसके बारे में पूरा एक कैरेक्टर। ओके मल्हार, इस फिल्म में तो आपकी जर्नी के बारे में कुछ दिखाया नहीं गया, लेकिन आपकी जर्नी कैसी रही, अप्स एंड डाउन्स अगर थोड़ा कुछ शेयर करना चाहिए अपनी जर्नी के बारे में? नहीं, हर एक की लाइफ में होता है अप्स एंड डाउन्स, मेरी लाइफ में बहुत डाउन्स है, अप्स बहुत लेट आए, पर मैं खुश हूँ अभी, बहुत वेरी हैप्पी, क्योंकि जितनी मेहनत जितनी स्ट्रगल जो भी है अभी बहुत वर्क कर रही है। मैं वही लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ऐसे काम करते रहो और खुश रहो, आगे जाके उनका फल मिलेगा ही मिलेगा। लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, आज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है, क्यों देखनी चाहिए, क्या यूज़? नहीं वही, बस प्लीज़ देखने जाओ, बहुत मज़ा आएगा, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम जितना मज़ा आपको हर एक फिल्म में आता है उससे थोड़ा ज़्यादा मज़ा इस फिल्म में आएगा फॉर श्योर, क्योंकि ये चारों कैरेक्टर बहुत लाइव कैरेक्टर हैं, बहुत फ़नी है और बहुत मज़ेदार है, तो हम चाहते हैं कि गुजराती फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर हो। आई थिंक मिडनाइट विद मेनका एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट लेके आया है, क्योंकि आज तक एक हमेशा रियल सुपरस्टार पे रियल बायोपिक बनी बनाई जाती है, पर इस टाइम इसको फिक्शनलाइज करके थोड़ा एंटरटेनमेंट का मसाला डाल के इसको और एंटरटेनिंग बनाया गया है, सो आई थिंक ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, सो विच इज़ वाई मिडनाइट विद मेनका इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म फॉर मी। थैंक यू। इस तो बहुत है क्योंकि मैं और विनीता जोशी हम दोनों डेब्यू करने जा रहे हैं, इतने साल टेलीविजन में काम किया लेकिन हमारी पहली गुजराती फिल्म करने जा रहे हैं, तो नर्वस तो है, 18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, इतने सालों बाद इतनी बड़ी फिल्म करने जा रहा हूँ, तो वो नर्वसनेस तो है, लेकिन आज पहला दिन है, पहले दिन पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हम लोगों को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड के आर वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आप लोग भी ये फिल्म जब देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि इट इज़ गोना बी अ ब्लॉकबस्टर। एक्साइटेड बहुत है, नर्वसनेस है, बट आई थिंक वो अच्छी होती है, थोड़ी सी नर्वसनेस हमेशा आपको ग्राउंडेड रखती है, और नया कॉन्सेप्ट है, मल्हार ऑलरेडी स्टार है बट उस सुपरस्टार की एक काल्पनिक आत्मकथा बनाई गई है, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो एक्चुअली रियल नहीं है, ये सारे फेक है, और मल्हार ईशा और हार्दिक अपना ही किरदार निभा रहे हैं, बट ऑफकोर्स उनके किरदार को भी फिक्शनलाइज किया गया है, मेरा पूरा किरदार ही फिक्शनलाइज है, पर्सन ही फिक्शनलाइज है,
मैं रिया का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो मल्हार की सिस्टर है. और एक नई बात यह है कि ये सबसे सीरियस कैरेक्टर है पूरी फिल्म में, और बाकी उसके आसपास बहुत सारी कॉमेडी हो रही है. तो ये जो कॉमेडी और सीरियसनेस का एक मसाला बनेगा वो ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ड्रामा, कॉमेडी और इमोशंस लेके आएगा. प्लीज़ देखिए और अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ दीजिए, हम आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. थैंक यू. हम लोग पोस्टर में देख रहे हैं कि चारों कैरेक्टर की जर्नी इमोशनल है, कॉमेडी है, बहुत सारा ड्रामा है जो हर एक की लाइफ में रियल भी होता है. सो इवन व्हेन वी आर प्लेइंग दोस कैरेक्टर्स वी फेल्ट कि अरे दीस सिचुएशंस आर सो रिलेटेबल. एंड भले यंग है सारे के सारे एक्टर्स, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सब लोग कनेक्ट करेंगे, सब लोगों को मजा आएगा. और बहुत सारे सीनियर एक्टर्स के कैमियोज हैं. नरेश कनोडिया को आप ट्रेलर में देख, गुजराती के सबसे बड़े सुपरस्टार महानायक है. यस, बट और भी बहुत सारे हैं जो आपको फिल्म में देखने मिलेंगे. अरे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम सब जो भी एक्टर्स हैं हम सब एक दूसरे को जानते हैं, कहीं ना कहीं पहले थिएटर करते थे, कोई कॉलेज में था, ये वो ऐसे सब रिलेशन थे. तो शूटिंग करते वक्त तो पूरा वो कह सकते हैं कि रीयूनियन का माहौल था, कि काम कम मस्ती ज़्यादा होती थी. एंड ये जो केमिस्ट्री है हम चारों की वो आपको पर्दे पर देखने को मिलेगा. शूटिंग नहीं लगा, हमने एक्चुअली बहुत सारी मस्ती की है और वो जो सारी मस्ती हम कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म हुई है पर्दे पे. आपको भी बहुत मजा आया. सब दोस्त है इसीलिए थोड़ा पैसे भी कम मिले दोस्ती के नाम पे, बट ऑडियंस वो पूरा कर देंगे. आई एम श्योर. थैंक यू. सो हमारा जो अहमदाबाद का प्रीमियर था कल रात को थर्सडे नाइट को, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा. इनफैक्ट पूरी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, उनके जितने वेटरन्स थे, डायरेक्टर्स, राइटर्स, अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, दे केम पर्सनली एंड कॉम्प्लीमेंटेड न्यू डायरेक्टर लाइक मी एंड माई को राइटर अमात्या. वी वर रियली रियली ओब्लाइज दैट एवरीबडी एक्चुअली अटेंडेड द प्रेमियर. और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, लोगों को बहुत मज़ा आया, क्योंकि गुजराती इंडस्ट्री जो है वो पिछले 3-4 साल से इवॉल्व हो रही है, बहुत सारा नया नया कंटेंट निकल रहा है. तो इस पिक्चर की यही कोशिश थी कि कंटेंट को कुछ अलग तरीके से बताया जाए, जैसे कि आवर टैगलाइन विच सेज फेक बायोपिक ऑफ अ रियल स्टार. हमने बहुत सारी बायोपिक्स देखी है लाइफ में, तो कुछ अलग अगर करना था तो वी हैड टू टेक समथिंग विच वॉज ऑलरेडी वेरी एस्टैब्लिश एंड इम्पॉर्टेंट इन गुजराती सिनेमा, दैट इज़ मल्हार ठाकर. तो मल्हार ठाकर को लेकर क्या किया जाए, तो फिर एक आइडिया आया कि इसको लेकर, बिकॉज मल्हार मीन्स एंटरटेनमेंट इन गुजराती इंडस्ट्री, तो अगर एंटरटेनमेंट देना है तो चलो कहते हैं लोगों को कि मल्हार कैसे बना सडनली ओवरनाइट. तो इसलिए हमने फिर सोचा कि इसको एक फेक ट्विस्ट देते हैं, और बाकी तीन कैरेक्टर्स मल्हार के साथ जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी रिलेटेबल कैरेक्टर्स है, उनको लेकर हमने एक पूरी कहानी एक मल्टी ट्रैकिंग फिल्म स्टोरी की तरह बनाई है. सो या इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, और मैं ये क्लेम करना चाहूँगा कि मिडनाइट्स विद मेनका, अ फेक बायोपिक ऑफ अ रियल स्टार, ये इस जॉनर की पहली कहानी है. बिकॉज बीट हॉलीवुड, बॉलीवुड और एनी रीजनल सिनेमा, ये जॉनर कभी भी किया नहीं गया है, फेक बायोपिक ऑफ अ रियल पर्सन. सो या इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट एंड आई होप पीपल लाइक इट, आई होप द ऑडियंस, जनता लाइक्स इट, बिकॉज प्रीमियर में तो लोगों को बहुत मजा आया था. एंड होप दैट यू ऑल लाइक इट. सो एज अ कैप्टन ऑफ द शिप, सी वी नीड टू बी रियली कम्फर्टेबल. पहली फिल्म थी, ऑफकोर्स नर्वसनेस थी, बहुत नई कहानी कहने के लिए जा रहे थे. तो जो लोग मेरे साथ जुड़ने वाले थे, मैं चाहता था कि वो दोस्त हो या मुझे कुछ ना कहना पड़े, इनफैक्ट मैं चाहता था कि वो कुछ कहे और मैं कुछ सीखूँ और हम साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाएं. तो बी इट ऑल दी एक्टर्स, सारे फ्रेंड्स हैं, मल्हार, ईशा, हार्दिक, और यस विनीता का कास्टिंग लास्ट में हुआ था, तो शी वॉज अ फाइंड एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. बट अदरवाइज मल्हार, ईशा और हार्दिक ये पहले से ही दिमाग में फिट था. इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि इन तीनों को फ़ोन किया था और कहा था कि कहानी बना रहे फेक बायोपिक वेर यू ऑल आर प्लेइंग योर सेल्फ, तो आप लोग ऑन हैं? उन्होंने कहा था हाँ हम ऑन है. तब मैंने कहा था चलो ठीक है, अब 2 महीने बाद तुमको कहानी सुनाता हूँ. वेल फिल्म को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये गुजराती फिल्म की तरह इसे परसीव मत करना, इट्स अ ग्लोबल कॉन्टेंट. ये एक बहुत ही रिलेटेबल एंटरटेनिंग स्टोरी है, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट गो वॉच दिस मूवी इफ़ यू वॉन्ट टू हैव 2 hours ऑफ एंटरटेनमेंट. ये गुजराती थाली है जिसमें स्पाइस, स्वीटनेस, बिटरनेस, सावरनेस, नमकीनपना सब कुछ है. तो उसी तरह हमारी इस फिल्म मिडनाइट्स विद मेनका में सब कुछ है, राइट फ्रॉम कॉमेडी टू अ लिटिल बिट ऑफ रियलिटी टू अ लॉट ऑफ फिक्शन टू अ लॉट ऑफ ड्रामा टू अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, सरप्राइज एलिमेंट्स. तो अगर आपको 2 घंटे का फुल ऑन एंटरटेनमेंट चाहिए
तो प्लीज़ गो एंड वॉच मिडनाइट विद मेनका। हमने बड़ी मस्ती के साथ इसे बनाया है तो आपको देखने के लिए बड़ा अब तो आपको अगर देखना है और आपको थोड़ी मस्ती करनी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। या थैंक यू सो मच। या
खूब एंजॉय करूँगा आई एम श्योर। एंड द बेस्ट पार्ट, ओपन एंड फिल्म इतने ही अच्छी अच्छी फिल्म कर रहे हैं और आगे भी फिल्म कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म गुजराती के लिए। बहुत बड़ी बात है कि ओपन फिल्म इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, सो मेरी बेस्ट विशेष है ओपन एंड फिल्म एंड विंटर एंड वेंका के लिए सारे एक्टर्स मल्हार हार्दिक सबको मेरी बेस्ट विशेष है। थैंक यू सो मच। मुझे हैंडल करना।
किसके पीछे आ रहे हो? थैंक यू। ओके એબ્સોલ્યુટલી બીકોઝ આમાં મલ્હાર તો છે જ, પણ મારી કઝિન છે વિનિતા અને એની પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ છે અને એઝ અ ફેમિલી વી ઓલ આર વેરી એક્સાઇટેડ અને શી ઇઝ અ ફેન્ટાસ્ટિક એક્ટ્રેસ અને વી ઓલ આર લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ ઇટ અને મલ્હાર તો ઓફકોર્સ શાહરૂખ ખાન છે ભાઈ ગુજરાતનો, એટલે ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ આઈ એમ શ્યોર અમે અત્યારે ફિલ્મ લખી છે વિથ વિરલ, અમે અત્યારે અમારા સંજય ગોરડિયાના સન બહુ જ ફેન્ટાસ્ટિક રાઇટર છે, એણે સુંદર બધા પ્લેસ પણ લખ્યા છે, એટલે આઈ એમ શ્યોર આઈ એમ લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ ઇટ અને આઈ એમ શ્યોર ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી અ બ્લોકબસ્ટર હિટ, કારણ કે મલ્હારની રેકોર્ડ છે, આઈ થિંક બધી જ ફિલ્મ અત્યારે સુપર ડુપર હિટ થઈ રહી છે એન્ડ આઈ એમ લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ ઇટ, ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ ધ ટીમ. થેન્ક યુ. મિડ નાઇટ વિથ મેનકા, એટલે મેનકા એટલે કંઈ સ્વર્ગ વર્ગનું કંઈક એવું લાગે છે, પણ આઈ એમ શ્યોર ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટાઇટલ ઇનફેક્ટ, યા, એટલે લેટ્સ સી, આઈ એમ લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ. હવે બસ તમે મને છોડો તો હું જઈને ફિલ્મ જોઉં. થેન્ક યુ.